हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम क्लास 6 के दो चैप्टर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज गवर्नमेंट और की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों ये जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, हम लोगों ने इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखा, आप देख सकते हो, नहीं तो आज के वीडियो में आपको सब समझ आ जाएगा, है ना। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे जिससे आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। हम वो क्वेश्चन भी करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पक्का आपके एग्जाम में आएंगे आएंगे, इफ दीज चैप्टर्स आर कमिंग इन योर एग्जाम। एंड एंड में आपको मैं क्विज भी दूंगी, और वो क्विज करने से यू नो यू कैन रिकॉल एवरीथिंग दैट यू स्टडी टुडे। तो बिना किसी इंतजार के लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन एंड वेलकम टू द स्प्रिंट सीरीज। तो गाइज, हम इसको स्प्रिंट सीरीज कहते हैं, मतलब रिविजन सीरीज। आपने पूरे साल जो पढ़ाई की, अब हम आखिरी के पड़ाव पे आ गए हैं। वी हैव कम टू द लास्ट माइल। इट इज टाइम फॉर अस टू स्पीड अप एंड टू मेक श्योर दैट यू गाइज गेट 100 on 100 इन योर SST एग्जाम, है ना। इसी मोटिवेशन से शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला, दो चैप्टर्स हम करेंगे। व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार जिसको बोलते हैं वो है क्या, है ना। सरकार को हम गालियां देते हैं, सरकार की हम पूजा करते हैं, बोलते हैं अरे यार सरकार ने सड़क बना दी, वाह वाह, या बोलते हैं अरे यार ये सड़क सरकार जो है गार्बेज का कुछ नहीं करता है, हाय हाय, है ना। तो सरकार होती क्या है, और जब हम बोलते हैं कि सरकार को डेमोक्रेटिक होना चाहिए तो उसका मतलब क्या होता है, है ना, ये सब हम आज समझने वाले हैं। तो चलो लेट अस बिगिन। यू नो मी, आई एम योर सोशल स्टडीज एजुकेटर, और आप यू नो वेलकम टू माई कक्षा। आज का मोटिवेशन बस इतना है कि अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड, एंड आई ट्रूली बिलीव इन दिस। यू नो आई फील कि अगर घर में हंसी नहीं है, मजाक नहीं है, लाफ्टर नहीं है, जॉय नहीं है, तो घर घर नहीं है, है ना। और वैसे ही हमको भी कोशिश करनी चाहिए दैट वी आर ऑलवेज हैप्पी, दैट वी स्प्रेड हैप्पीनेस, राइट। एंड विद दिस मोटिवेशन लेट अस बिगिन विद द चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट। नाउ गाइस, सरकार क्या है। सरकार एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है हु मेक डिसीशंस फॉर अस, जो हमारे लिए डिसीशंस लेते हैं, ठीक है। दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक डिसीशंस फॉर अस। और किस टाइप के डिसीशंस लेते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि सड़क कहाँ पर बननी है, स्कूल कहाँ पर बनना है, अगर देश में बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों के लिए किस टाइप के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स निकालने हैं, है ना। अगर हमें रेलवे, जैसे कुछ कुछ सर्विसेज होती है, जैसे रेलवे हो गया, पोस्टल हो गया, पोस्ट ऑफिस, जैसे चिट्ठियां आती है, यू गेट योर लेटर्स, तो वो काम भी सरकार का है, है ना। हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम अटैक्स फ्रॉम पाकिस्तान, चाइना, सच ग्रेट नेबर्स वी हैव, है ना। तो टू प्रोटेक्ट आवर बाउंड्री इज ऑल्सो द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। फिर मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना। क्योंकि देखो, बोलना आसान है कि हम तो जंग पे जाएंगे, बट जंग पे जाने से बहुत नुकसान होता है देश का। तो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव गुड रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज, एंड टू एंश्योर, सरकार की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर कि उसके जो सिटीजन्स हैं वो खुश रहे, उनके पास खाने को काफ़ी हो, यू नो दैट वी आर नॉट डाइंग ऑफ हंगर, वी शुड हैव इनफ फूड, वी आर हेल्दी एंड वी आर एजुकेटेड। दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट? वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। अगर नोटबुक में आप नोट्स लिख रहे हो तो ये लिखना मत भूलना, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्यूट भी होता है, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई, डिसएग्रीमेंट होता है लोगों के बीच में, ग्रुप, सोशल ग्रुप्स के बीच में, तो उसमें भी सरकार जो है हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज चैनल पे कि हिंदूज ने, मुस्लिम्स ने एक दूसरे को मार दिया, क्रिश्चियंस ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसे सिनारियों में सरकार ही तो है जो पीस बना के रखती है, पापा की तरह घर पे, है ना। कोर्ट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट कचहरी के केसेस लगे रहते हैं, वो भी तो सरकार का ही एक हिस्सा है, right? So we need the government because it is the government that makes decisions for us, government that takes care of the welfare of the citizens. If there is any dispute, government is the one that resolves it. ठीक है, याद रखना ये points. अब levels of government क्या है? अगर हम levels of government देखें, तो we have a government at the national level. National level का मतलब क्या होता है?
नेशनल लेवल का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल दैट जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर हो गए, है ना, उसके उनके अंदर जो चीफ मिनिस्टर हो गए, जो पूरे कंट्री की सरकार है वो नेशनल लेवल पे। फिर हमारा जो कंट्री है वो 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है। गलत बोल रही हूँ तो चैट बॉक्स में बता देना 28 स्टेट्स है या नहीं। हर स्टेट की भी अपनी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, है ना। द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आप देखते हो गए इज द चीफ मिनिस्टर। और फिर स्टेट्स जो है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स। जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या जिसको हम लोग बोलते हैं विलेजेस, राइट, उनकी भी एक सरकार है लोकल लेवल पे। तो ये हो गए हमारे अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब लॉ क्या होता है? अब आप कुछ बच्चे कहेंगे मैम लॉ होता है कानून, तालियां, जैसे स्कूल होता है विद्यालय, है ना। बट लॉज जो होते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट? तो गाइज इट इज द गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉज। फॉर एग्जाम्पल लॉ है कि सीट बेल्ट पहनना है तभी गाड़ी चला पाओगे। किसने बनाया भैया ये लॉ? का सरकार ने बनाया, है ना। एंड एवरीवन हैज टू फॉलो दीज लॉज। आपको लग रहा होगा आप दबंग हो, आपके चाचा जी तो पता नहीं कहाँ के मंत्री है, फिर भी आपको कानून, यू हैव टू फॉलो द लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ हु योर फादर योर मदर योर चाचा योर मामा इज, राइट। एंड इट इज द गवर्नमेंट हु हैज द पावर टू मेक लॉज एंड एनफोर्स इट। सरकार के पास पावर होती है ना ही कानून बनाने की, बट कानून को लागू करने की, एनफोर्स करने की। मतलब इफ यू आर नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट गवर्नमेंट हैज द पावर टू फाइन यू, ठीक है ना। इफ सर्टेन लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, राइट, अगर आपको लगता है कि यू शुड बी ट्रीटेड इक्वली अकॉर्डिंग टू लॉ बट यू आर नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वली, आपको गंदी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, आपको जॉब नहीं दी जा रही बिकॉज यू आर अ गर्ल, देन यू कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, है ना। लड़ाई की ये जो झगड़ा हुआ है उसको सुलझाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, राइट। चलो अब हम आते हैं अगले पार्ट ऑफ द चैप्टर पे जो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम दो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, मोनार्की और डेमोक्रेसी। मोनार्की जो है वर्ड आता है, कम्स फ्रॉम द वर्ड मोनार्क विच मीन्स द किंग और द क्वीन। तो जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राजा या रानी जो है उनके पास अल्टीमेट पावर होती है टू मेक डिसीजंस फॉर द कंट्री, दैट इज अ मोनार्की। आई थिंक बचपन से हम कोशिश करते आए, हमने यू नो रोल प्ले किया है कि हाँ हम महारानी हैं, हम प्रिंसेस हैं, हम किंग हैं, हम ये हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज आई बिहेड यू, या फिर मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें ये करना है ना। दैट इज हाउ वी यूजली थिंक ऑफ किंग्स एंड क्वींस, एंड दैट इज एग्जैक्टली ट्रू। विदाउट यू नो दे कैन मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन एंड एवरी वन हैज टू फॉलो। ऑफकोर्स वो एडवाइस लेते हैं बट उनकी मर्जी है वो एडवाइस को माने या ना माने, है ना। दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर डिसीजंस टू एनी वन, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी वन, कोई उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता, राइट। अब हम आते हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी इंडिया में है, यहाँ पर लोग हैं, पीपल आर द वंस हु चूज देयर लीडर्स, ठीक है, याद रखना, लिख रहे हो आई होप आप ये सब। तो पीपल आर द वन हु चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हु चूज देयर लीडर्स, और ये जो लीडर्स है ये हमारे लिए लॉज बनाते हैं, हमारे लिए डिसीशंस लेते हैं। पर अगर इफ वी डू नॉट लाइक एनी डिसीशन दैट द गवर्नमेंट हैज मेड, देन वी कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल सरकार को हमने काफी क्वेश्चन किया कोविड के टाइम, है ना, कि भैया हमारी वैक्सीन कहाँ है, हमारी मेडिसिन कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो वी कैन डू दैट इन अ डेमोक्रेसी बट नॉट इन अ मोनार्की। अब डेमोक्रेसी को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज, एंड प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट अगर आप नोट्स बना रहे हो, द फर्स्ट पार्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकेंड पार्ट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? अब जैसे एक क्लासरूम है, आप लोगों का क्लासरूम है, उसमें 50 बच्चे हैं, आपको डिसाइड करना है कि डू यू वांट टू गो टू गोवा फॉर वेकेशन और डू यू वांट टू गो टू पौंडीचेरी। आप सबने डिसाइड किया, आपस में बात की और बोला कि ठीक है हमें तो गोवा जाना है। तो ये क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, आप डायरेक्टली डिसीशंस ले रहे हो। तो अगर कुछ कुछ कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल इतनी छोटी कंट्री है, सब आपस में मिलके ही डिसाइड कर लेते हैं, बट इंडिया तो बहुत बड़ी है, अगर हम आपस में डिसाइड करेंगे तो एक तो कहाँ मिलेंगे इतने सारे लोग, एक दूसरे के बाल ही नोचने लगेंगे, है ना। दैट इज वाई वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ इलेक्शंस के थ्रू हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स? बिकॉज दे रिप्रेजेंट आवर इंटरेस्ट, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसीलिए तो हमने उन्हें वोट किया, क्योंकि जैसे अगर हम चाहते हैं सड़क बनाए और वो सड़क हमें प्रॉमिस कर रहा है, तो ही इज रिप्रेजेंटिंग आवर इंटरेस्ट, शी इज रिप्रेजेंटिंग आवर इंटरेस्ट, तो रिप्रेजेंटेटिव्स और वो हमारे लिए डिसीशंस में लेते हैं। अब वोट कौन कौन कर सकता है? तो भैया आप कहोगे हम तो नहीं करते, बिल्कुल सही बोला, आपको 18 साल का होना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी अलाउड टू वोट। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल मतलब एवरीवन, अडल्ट मतलब हु इज अबव द एज ऑफ 18, फ्रेंचाइज मतलब द राइट टू वोट। ठीक है, नाउ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमेशा से नहीं था, ठीक है। बहुत बहुत लाइक इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली उससे पहले बहुत कम लोग थे जिनको वोटिंग राइट्स थे, सिर्फ एजुकेटेड लोग, सिर्फ वो लोग जिनके पास जमीन थी, लैंड थी, वुमेन, पुअर, अनएजुकेटेड, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिली। बट जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमने डिसाइड कर लिया था कि ब्रिटिशर्स से हमें छुटकारा मिला, अब हमारे देश में होगी समानता, इक्वालिटी, एंड दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू गिव इक्वल वोटिंग राइट्स टू एवरीवन, राइट। ये है आपका चैप्टर का शॉर्ट वर्जन। लेट्स क्विकली गो टू द क्वेश्चंस। व्हाट आर द थ्री मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स, रूल होता है बाय द पीपल, मतलब मैम और सब जगह क्या रूल बाय द मंकी होता है? नहीं, बाय द पीपल ना, पीपल जिनने जिनको इलेक्ट किया वो लोग रूल कर रहे हैं, एंड लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं डिसीशन मेकिंग में थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। आप ये भी लिख सकते हो कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल, कहाँ गया मेरा पेन, पीपल कैन क्वेश्चन देयर लीडर्स, ठीक है। आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो। व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो वाली डेमोक्रेसी होती है जिसमें जो हमारे लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हमारे लिए डिसीशंस लेते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स चूज होते हैं थ्रू इलेक्शंस, एंड ये जो डेमोक्रेसीज होती है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं। What are the benefits of living in a democratic nation government? बहुत सारे benefits हैं, है ना। एक, हम decision making में हम part ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे बिना पूछे decision लिया जा रहा है, बस थोपा जा रहा है, right? एक तरीके से एक at least एक आपके पास एक freedom होती है to choose the party who will make decisions for you. Fundamental rights मिलते हैं आपको, कुछ certain rights होते हैं जो सिर्फ आपके होते हैं और सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती, है ना। चलो, long answers. How do the policies of a government affect our daily life? अब नॉर्मली में सरकार, आई मीन मुंह में आ ही जाता है वो सरकार वाला वर्ड, यू नो, इन आर एवरीडे लाइफ, राइट। बिकॉज द गवर्नमेंट डज सो मेनी थिंग्स। द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड स्कूल्स, द गवर्नमेंट इज द वन हु प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू एवरीवन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर द पीपल, पोस्टल एंड रेलवे सर्विस इज प्रोवाइड बाई द गवर्नमेंट, इज प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट, जो फ्रेंडली रिलेशनशिप्स है विद अदर कंट्रीज इज मेंटेन बाई द गवर्नमेंट, सोशल इशूज पे जो होता है वो गवर्नमेंट करती है। Explain the suffrage movement and how did it occur? Suffrage, किसको हुआ suffrage? Suffrage मतलब voting, right to vote के लिए जो movement हुआ था उसको बोलते हैं suffrage movement. तो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था सफरेज मूवमेंट, एंड यू नो बाय, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, ये आपने अभी नहीं पढ़ा था तो ध्यान से सुनना, हाँ, जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो जब सारे आदमी जो है जंग लड़ने गए थे, when men had gone to fight war, women had to step out to work. And that is when they started, you know, doing jobs, becoming economically more independent, right? अब जब आदमी वापस आए वॉर के बाद, वुमेन ने कहा अब हम घर नहीं जाएंगे, अब तो हमें चाहिए राइट टू वोट, राइट। एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स दे गेन द राइट टू वोट इन 1920, इन यूनाइटेड किंगडम दे गेन राइट टू वोट इन 1928. हाउ डू यू टेक द गांधी जीज आइडिया ऑफ गिविंग एवरी कम्युनिटी द राइट टू वोट? वॉज इट अ गुड डेमोन्स्ट्रेशन? गांधी जी को लगता था कि ऐसे सेंट्रल पावर नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली से सरकार चल रही है, उनको लगता था कि ये कम्युनिटीज बना देनी चाहिए और सारी कम्युनिटीज खुद को गवर्न करें, है ना। इन दिस वे ऑल सिटीजंस आर ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे, दैट इज की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जब हम बोलते हैं एक सरकार डेमोक्रेटिक है, हम तीन चीजें बोल रहे हैं। हम पहले बोल रहे हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो इलेक्शंस के थ्रू हो, डायरेक्ट डिसीशन मेकिंग के थ्रू हो, बट लोगों का बहुत बड़ा योगदान है लोकतंत्र में। पीपल हैव अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन, हैव अ वेरी बिग रोल व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी,
ठीक है। सेकेंड है रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर लड़ाई होती है दो लोगों में या सरकार के साथ, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमें गोली से उड़ा देगी, नहीं, देयर इज अ मैनर थ्रू विच द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड। कोई जज होगा, कोई प्रोसीजर होगा, राइट। एंड थर्ड इज किसी भी डेमोक्रेसी में इक्वालिटी और जस्टिस होता है, ठीक है। अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को सुनेंगे थ्रू अ स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक देश है बाय द वे, अफ्रीका में एक नीचे जाके आपका आता है साउथ अफ्रीका, जहां पर अपार्थीड फॉलो होता था। अपार्थीड क्या था? तो साउथ अफ्रीका में जो रूलिंग क्लास थी वो थे वाइट पीपल। जैसे हमें ब्रिटिशर्स रूल करते थे गोरे लोग, वहां भी वाइट पीपल रूल करते थे साउथ अफ्रीकन्स को। और जो ब्लैक पीपल थे, मतलब दे वर सबजुगेटेड, उनको अप्रेस किया जा रहा था। इंडियंस भी थे वहां जो कुछ काम लेबर की तरह थे, है ना। अब क्या हुआ, अपार्थीड होता है जहां पर ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको वाइट लोगों से अलग रखा जाता है ना, उनको अलग स्कूल दिया जाता है, लैंड अलग दी जाती है, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रखा जाता है। तो ऑब्वियसली लोग उसको नहीं सहेंगे, सो दे सेट अप देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अगेंस्ट द स्ट्रगल फॉर अपार्थीड, विद देयर लीडर बीइंग नेल्सन मंडेला, है ना। तो 1994 में साउथ अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, क्योंकि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने काफी लड़ाई की इसके लिए। एंड 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेसी बनी, जहां उसने कहा कि नो मोर अपार्थीड, नो मोर सेपरेशन, वी आर गोइंग टू बी अ कंट्री वेयर ऑल रेसेस आर ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। अब पीपल पार्टिसिपेट बाई टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी, है ना। वन इज थ्रू बाय टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस एंड चूजिंग योर रिप्रेजेंटेटिव्स। बट इलेक्शंस तो होता है वंस इन एवरी 5 years, बस इतना करके बैठ जाओगे, नहीं। इफ यू डू नॉट लाइक व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, यू कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट इन मीडिया, इन यू नो, इन न्यूज़पेपर्स। दैट इज ऑल्सो अ वे यू कैन पार्टिसिपेट, है ना। यू कैन ऑर्गेनाइज रैलीज, हो गए धरना, हो गया सिग्नेचर कैंपेन्स, हो गए, आप ये सब कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल्सो अ वे थ्रू विच यू कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इन सब में भी सरकार अपने डिसीशंस को डिसीशंस के बारे में बात करती है, राइट। अब क्वेश्चन था, अब याद आ गया आपको, पीपल्स पार्टिसिपेशन वाज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट का क्या था, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अब गाइस ऑब्वियसली, अब जब घर में लड़ाइयां होती है, तो आप देश में जिसमें वी हैव सच अ डिफरेंट यू नो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट रिलीजियंस, पीपल आर गोइंग टू फाइट, है ना। देयर कैन बी वायलेंस, देयर कैन बी फियर एंड टेंशन। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कॉन्फ्लिक्ट। क्या क्या रीजन हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का? रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन। जैसे हमें हिंदूज कह रहे हैं कि यार ये मुसलमान जो है ये हमारे ही जगह से अपना प्रोसेशन लेके जाते हैं, है ना, और फिर पूरी रात हमें परेशान करते हैं। या मुस्लिम हो सकते हैं, हिंदू जो है जय माता जी करते हुए जाते हैं हमारे रूट से, है ना, इनको बोलो कहीं कोई और रूट ले। तो दैट वे देयर कैन बी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, राइट। तो इन सब में द गवर्नमेंट, द पुलिस who is a part of the government has to maintain law and order. दोनों communities के representatives को बुलाना चाहिए, आपस में बात करानी चाहिए और peacefully इसको handle करना चाहिए, right? Another way in which conflict takes place is between two states. Ma'am, two states movie है, but ये क्या लड़ाई two states के ऊपर conflict वाली movie भी बन सकती है? For example, if we talk about two states, one state in which I am living, Karnataka, और दूसरा स्टेट इन विच माय मम्मी पापा आर लिविंग, तमिलनाडु, है ना। तो तमिलनाडु और कर्नाटका। अब गाइस क्या है ना कि एक रिवर जाती है कर्नाटका से, शुरू होती है कावेरी रिवर। अब ये जो कावेरी रिवर है, ये कर्नाटका के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका के भी लोगों को कावेरी रिवर से पानी मिलता है, एग्रीकल्चरल वाटर मिलता है, तमिलनाडु में भी, बट शुरू ये कर्नाटका से होती है। तो कर्नाटका में वी हैव बिल्ट अ डैम, एंड हम क्या करते हैं कि यहाँ लिखा होगा कृष्ण राजा सागर डैम इन कर्नाटका और एक मेट्टूर डैम इन तमिलनाडु। तो डैम क्या करता है, पानी रोक देता है एंड पानी कलेक्ट कराता है बिहाइंड द डैम, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि वी कलेक्टेड वाटर एंड वी डिड नॉट रिलीज वाटर, तो तमिलनाडु में प्यासा हो गया तमिलनाडु, यू नो, इट गॉट वेरी थर्स्टी, देयर वाज नो वाटर फॉर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की लड़ाई ये थी कि हमारे लिए भी तो पानी छोड़ो, वी ऑल्सो नीड वाटर। कर्नाटका साइड, बट वी ऑल्सो नीड वाटर, दैट इज वी हैव बिल्ट अ डैम। सो अल्टीमेटली देयर वाज सो मच फाइटिंग बिटवीन द टू स्टेट्स, फार्मर्स वुड समटाइम्स क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द स्टेट एंड यू नो इट वुड लीड टू अ लॉट ऑफ वायलेंस। फाइनली इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट देन
tries to maintain order, saying कि ठीक है इतना percent पानी कर्नाटका ले सकता है, इतना percent पानी तमिलनाडु ले सकता है. The next concept is equality or justice. What is the difference between equality and justice? जैसे एक फैमिली है, उसमें तीन बच्चे हैं और तीनों बच्चों को एक एक रोटी मिलती है. They get one roti each. What is this called? This concept is called equality. इसको आप लोग बोलते हैं समानता. But let us say उन तीन बच्चों में से एक बच्चा जो है वो handicapped है. और डॉक्टर ने बोला है कि if you want him alive, you need to give him at least two roties. तभी वो जिंदा रह पाएगा. अब दो रोटी इसको मिल गई तो बाकी बच्चों को आधी रोटी मिली, पर वो एबल बॉडी है, आधी रोटी पे भी वो जिंदा रह लेंगे. इसको हम लोग बोलेंगे जस्टिस. समझ गए? क्योंकि सोसाइटी में सब लोग नेचुरली इक्वल नहीं है, तो कुछ लोगों को जैसे हैंडीकैप या कुछ लोगों को आपको सपोर्ट देना पड़ता है, एंड दैट इज फॉर जस्टिस. तो वी नीड टू मेक श्योर दैट इक्वालिटी एंड जस्टिस गो हैंड बाय हैंड. बहुत लोग बोलते हैं मैम ये तो इक्वालिटी नहीं है. हाँ, बट जस्टिस तो है, राइट? जैसे अनटचेबिलिटी है, लोअर कास्ट ग्रुप्स है, उनको इतने टाइम से दे वर डिस्क्रिमिनेटेड है ना, दे कुड नॉट ओन लैंड, दे कुड नॉट गेट एजुकेटेड, सो स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट देम. जैसे रिजर्वेशन, जैसे अनटचेबिलिटी बीइंग अबॉलिश्ड, राइट? जैसे वो गर्ल चाइल्ड है, उतने सालों से उनको घर पे रखा गया, दे वर नॉट एजुकेटेड, स्पेशल प्रोविजंस आर गिवन टू गर्ल्स. जैसे कुछ स्कॉलरशिप्स उनको दे देते हैं, स्कूल में थोड़ा रिजर्वेशन कर देते हैं कि ठीक है 10% तो लड़कियां ही आएंगी. Right? In this way, equality and justice go hand in hand. अब चलते हैं questions पे. What are the different ways in which people express their views and make government understand what actions they should take? तो guys, ये question ये इतना ही पूछ रहा है कि how do people participate in the government? अगर हम चाहते हैं सरकार हमारी बात सुने तो हमें क्या करना चाहिए? टिकटॉक पे रील बनाने से तो सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी. हमको करना चाहिए धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स, न्यूज़पेपर्स पे अपने अपने ओपिनियंस को लिखना. हाउ डू कॉन्फ्लिक्ट्स अकर एंड लीड टू वायलेंस एंड डेथ? कॉन्फ्लिक्ट्स टेक प्लेस, आप बाई रिलीजियस प्रोसेशन का एग्जाम्पल ले सकते हो टू टॉक अबाउट हाउ समटाइम्स इट कैन लीड टू वायलेंस. How is life of present day South Africa different from the past? So present day South Africa एक democratic country है जहाँ equality है, past में apartheid था, जहाँ discrimination होता था between black and whites. How does a government ensure that all people are treated equally? ये करता है government की ठीक है सबको equal rights of freedom मिले, no one is discriminated, जो disadvantaged group है जैसे आपके lower caste है उनको special provisions मिले, equal access हो housing, clothing वगैरह का, equal pay ho for men and women, right? That is how the government ensures. Kaveri River ka guys maine aapko bata diya hai, you can again go through the answers and that's it. theek hai, so ab hum aate hain aapke quiz time pe. to guys quiz karne ka bari aa gaya hai. Quickly go to www.bquiz.in, code dalo 228159 and you will be able to get 5 questions jiske answers aap mujhe do, and I will know, let me know in the comment section how did the quiz go. ठीक है, आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो. आज के सेशन का पीडीएफ मैं यंग वंडर्स के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी. दिस इज योर मास्टर टीचर सर्वी साइनिंग आउट. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, थम्स अप दे देना इस वीडियो को और शेयर जरूर करना. दिस इज योर मास्टर टीचर सर्वी साइनिंग आउट. बाय बाय. बताना जरूर क्लास कैसी लगी.